फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस, तानसेन तो सभी जानते होंगे, अकबर के बहुत ही चहेते थे और अकबर के जो मंच पे मतलब गाया करते थे, गीतकार थे, संगीत गाया करते थे। और कहा यह भी जाता है कि जब वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी। तो यार बहुत ही बड़े गीतकार थे उस ज़माने के। और मोहम्मद गौस की मैं बात करूँ तो उनके साथ में ही मकबरा है और तानसेन की लास्ट विश यही थी कि मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही उनका मकबरा भी हो। क्योंकि यार जो तानसेन थे, उनके जो पिता थे, उनके पिता ने मोहम्मद गौस के पास आके मतलब उनके तानसेन के पिता की जब कोई औलाद नहीं हो रही थी तो यहाँ पर आके उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी और मोहम्मद गौस के ज़रिए, क्योंकि वो बहुत ही महान और बहुत ही मशहूर सूफ़ी संत हुआ करते थे 16वीं शताब्दी के, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई तानसेन के पिताजी की और तानसेन उस समय फिर पैदा भी हुए। तो काफ़ी तानसेन और उनके पिताजी मोहम्मद गौस जो सूफ़ी संत थे उनको मानते थे, बहुत ही मानते थे, तो इसलिए यहीं पर तानसेन का भी मकबरा है। चलिए मैं आपको सारा दिखाता हूँ, मैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कहा जाता है कि ग्वालियर का इतिहास शहर के सूफी संतों के जिक्र के बगैर अधूरा है और ऐसे ही एक सूफी संत थे शेख मोहम्मद गौस, जिन्होंने शहर में धार्मिक सद्भावना के जो बीज रोपे थे वो आज भी अंकुरित होते नजर आते हैं। और यही कारण है कि मोहम्मद गौस के मकबरे पर सभी जाति और धर्मों के लोग अपनी मुरादी लेकर पहुंचते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद गौस के मकबरे की नींव तकरीबन 15वीं शताब्दी में रखी गई थी और इसे बनने में लगभग 38 साल लगे थे। और यह मकबरा अकबर के जमाने में मोहम्मद गौस के बड़े साहबजादे अब्दुल्ला शहाबुद्दीन द्वारा बनाया गया था और उनकी मजार भी गौस साहब के बगल में ही बनी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौस के पुरखों का ताल्लुक तो ईरान से मिलता है, लेकिन मोहम्मद गौस की पैदाइश बिहार की बताई जाती है और बताया जाता है कि वे बड़े ही होनहार थे। मैं 6 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरा कुरान याद कर उसके उपदेश समझ लिए थे। और बताया ये भी जाता है कि उनके गुरु ने उन्हें महज 6 साल की उम्र में ही गौस का खिताब दे दिया था। इनकी इबादत और रियादत से खुश होकर इनके पीर ने आदेश दिया कि अब आप ग्वालियर में जाकर ठहर जाओ, जिनकी इजाजत से मोहम्मद गौस ग्वालियर आए और पहले ग्वालियर किले पर ही अपना मुकाम बनाया, जहां इनकी दुआएं लोगों पर असर करने लगी और ख्याति दूर दूर तक होने लगी। लोग भी बाबा की दुआओं को लेने के लिए यहां पहुंचने भी लगे। दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि यह इमारत पर्वती पठान शैली में निर्मित की गई है, जिसमें बेशकीमती पत्थर पर कटी हुई जालियों के माध्यम से मकबरे को बनाया गया है और इसका निर्माण 100 भुजा वाले वर्ग पर किया गया है। चारों अष्टभुजाकार गुंबद है जिनके ऊपर एक सुंदर एवं सुडौल छतरियां भी बनी हुई हैं। और ये भी कहा जाता है कि यार ये जो मकबरे में लगी जालियों की कलाकारी को झिलमिली के नाम से भी बताया गया है और यह कला 19वीं शताब्दी के अंत तक ग्वालियर में जीवित भी रही थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोहम्मद गौस का मकबरा है, जितना मैं दिखा सकता हूँ। दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर इसी जगह मोहम्मद गौस का मकबरा है। तो दोस्तों बताया ये भी जाता है कि मोहम्मद गौस सुर सम्राट तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। तानसेन काफ़ी करीबी हुआ करते थे बादशाह अकबर के। जब तानसेन पैदा हुए थे तब वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनको उनके परिचित मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर छोड़ गए थे और यहीं पर उनकी तालीम व संगीत की शुरुआत भी हुई थी और धीरे धीरे वे यहाँ रियाज करने लगे और आगे चलकर तानसेन बने। तानसेन का असली नाम था तनु पांडे। तो दोस्तों आप लोगों को यार ये देख के तो अचंभा हुआ होगा कि यार तानसेन हिंदू थे और उनकी कब्र है। जी हाँ दोस्तों, वो हिंदू होते हुए भी उनकी यहाँ पर आपको कब्र देखने को मिलेगी। मैं आपको कब्र अभी दिखाता हूँ क्योंकि ये बेहद करीबी थे मोहम्मद गौस के और बहुत मानते थे। आप देखिए, ये है तानसेन जी की कब्र, ये तानसेन की कब्र है, आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि यार मोहम्मद गौस ने 15वीं शताब्दी में अपने शरीर को छोड़ दिया था और उस समय वे आगरा में थे, लेकिन उन्होंने पहले ही
इस जगह को चुन लिया था और कहा था कि मेरी मजार ग्वालियर में ही बनाई जानी चाहिए। और इसके बाद उनके शव को आगरा से ग्वालियर लाया गया और जहां उन्हें यहां पर उनका मकबरा फिर बना बाद में जाके, और फिर उस पर मकबरा बनाया गया जैसा मैंने आपको बताया है। और लोग मुराद मांगने इस मकबरे की दीवारों पर लगी जालियों में धागा भी बांधते हैं, और ऐसी आस्था है कि यहाँ धागा बांधने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कब्र देखने को मिलेगी, जो मोहम्मद गौस के जितने भी नज़दीकी हुआ करते थे लोग, उन सब की कब्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों थोड़ा मैं अगर आपको तानसेन के बारे में बताऊं, तो कहा जाता है कि यार ये ऐसे गायक थे जो अपनी गायकी से जादू उत्पन्न कर देते थे, और जैसा कि वह बादलों को वर्षा करने के लिए प्रबोधन देते तथा यहां तक कि पशुओं को भी मोहित कर देते थे। और तानसेन ने मोहम्मद गौस से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी और संगीत की ग्वालियर घराना शैली विकसित भी की थी। वह संगीत की ध्रुपद शैली के प्रस्तावक भी थे, जो मनोरंजन के लिए नहीं अपितु श्रोता को शांति एवं चिंतन के मूड के लिए प्रेरित भी करते हैं। और हर वर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नवंबर में विश्व विख्यात तानसेन संगीत महोत्सव इसी मकबरे में आयोजित भी किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, और ये मकबरा आप जब देखने आओगे और कभी देखोगे भी तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर। चारों तरफ आपको यहाँ पर गार्डन भी देखने को मिलेंगे। जो लोग ग्वालियर नहीं आ सकते वो मेरे वीडियो के माध्यम से पूरा तानसेन का मकबरा का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। मैंने कोशिश की आपको हर एक व्यू यहाँ से आपको दे पाऊँ, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत ही अद्भुत बनाया गया है यार। और 500-600 साल पुराना है और अभी भी बिल्कुल एकदम सही सलामत है, एकदम फर्स्ट क्लास है ये अभी भी। बहुत ही आपको चारों तरफ यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं देश विदेश से इसको देखने आते हैं। मैं थोड़ा शाम के समय में आया हुआ हूँ तो इसलिए यहाँ पर इतने पर्यटक नहीं है, लेकिन दिन भर में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये ग्वालियर किले से लगभग 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आ सकते हो या आप ई रिक्शा से भी आ सकते हो। बहुत ही सुंदर है यार, देखो आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत है, और बहुत ही आपको यहाँ पर शांति का अनुभव होगा। आप जब भी आओगे यहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा, और देख सकते हैं आप बहुत बड़ा गार्डन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि यार ग्वालियर में तो माने जाने थे मोहम्मद गौस, और देखिए आप काफ़ी सुंदर है, मैं आपको दे रहा हूँ हर व्यू, आप देख सकते हैं इमारत कितनी खूबसूरत इमारत है, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब इमारत है यार। क्या मतलब सोच के यार 500-600 साल पहले की बनी हुई है ये, अद्भुत है यार, अद्भुत कलाकृति है इनकी, मतलब जो कलाकृति है वो अद्भुत। दोस्तों अकबर के ही सलाहकार और नवरत्नों में से एक अब्दुल फजल ने तानसेन की संगीत की प्रशंसा में अकबर को चिट्ठी लिखी और सुझाव दिया कि तानसेन को अकबरी दरबार का नवरत्न होना चाहिए। तो तब से वो अकबर ने उनकी बात मान ली थी और तब से वो मतलब उनके दरबार के अहम एक हिस्सा बन गए थे तानसेन, और काफी करीबी भी थे अकबर के वो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को भी पता चले कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।